So welcome or welcome back to my channel. This is Isha Sikarwal and I am vlogging today. So आज से हम start करने जा रहे हैं मेरी birthday series को, यानी कि 16th August से लेकर 16th September जिस दिन मेरा birthday है, तब तक चलने वाली है मेरी birthday series. और इस birthday series में होने क्या वाला है? So हम लोग पूरा एक महीना 16th August से लेकर 16th September तक पूरे महीने में हर ऑल्टरनेट डेज आने वाले हैं एक नई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो के साथ में. और इन ये सारी जो वीडियोस होने वाली है ना, इसमें मैंने ट्राई करा है कि मैं बहुत अलग अलग नीश और बहुत अलग अलग लोगों को कैटर कर पाऊँ. तो इन वीडियोस में हमारे पास होने वाली है फैशन वीडियोस, यानी कि काफी सारी हॉल्स जो कि बहुत सारी बर्थडे रिलेटेड भी होने वाली है, काफी सारी ब्यूटी वीडियोस, ब्यूटी इन द सेंस मेकअप ट्यूटोरियल्स होने वाले हैं, एंड जो फन व्लॉगिंग एंड फन चैलेंज जो हम करते हैं वो तो होंगे ही होंगे, वो भी ढेर सारे. तो क्या आप रेडी हो मेरे इस बर्थडे सीरीज के लिए? मैं पहली बार मेरे चैनल पे ऐसा कुछ करने वाली हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. आई होप कि आप भी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि इस साल से हम आने वाले हर साल, जब तक मैं इस धरती पर बोझ बनकर हूँ, बात तो सही है, हर साल हम ऐसी बर्थडे सीरीज में कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे. एंड उस बर्थडे सीरीज की फर्स्ट वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ आज. नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिंत्रा से बर्थडे ड्रेसेस, जो कि होने वाली है अंडर 800 टू 1000 रुपीस. एग्जैक्ट प्राइस रेंज में मैं आपको सबके साथ में बताती जाऊंगी, लेकिन ये ड्रेसेस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल, साथ ही साथ में बहुत ज्यादा प्रिटी भी है. सो चलते हैं हमारी फर्स्ट ड्रेस को खोलने के लिए. ड्रेस हमारी होने वाली है ये मरूनिश ड्रेस. इसकी फुल पिक्चर मैं यहाँ पर फुल वीडियो डाल दूंगी, जो आप अच्छे से देख पाओगे. सो ये जो ड्रेस है ना, सबसे पहले तो ये हॉल्टर नेक है. अगर आपको थोड़ा डीप नेक से इशू है तो आप यहाँ पे पिन भी लगा सकते हो, जहाँ पे भी आपको लगाना हो. नहीं तो आप इसको टक करवा लेना सुई धागे से, तो आपका हमेशा के लिए काम हो जाएगा. पीछे से बात करें इसकी, तो इसका जो बैक है ये एकदम नॉर्मल है, पीछे बिल्कुल भी डीप नहीं. ये जो ड्रेस है ये ड्रेसबेरी की है. ड्रेसबेरी की खासियत यही है कि उसके कपड़े बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में है, साथ ही साथ में उनकी क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिलेगी. तो ये वाली ड्रेस भी काफी अच्छी क्वालिटी में, काफी अच्छा कपड़ा है इसका, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा, आप किसी भी सीजन में पहन सकते हो विंटर्स को छोड़. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. अरे सर, तो पतले पतले से स्ट्रैप्स है यहाँ पे, एंड इसमें ना एक नीचे एक स्लिट भी आता है. अब अच्छा, इसका जो स्लिट है ना वो भी ऐसा नहीं है कि यू आर आस्किंग फॉर टू मच, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल सा मिनिमल सा है. और अगर आप चाहो तो इसको भी टक करवा सकते हो. लेकिन अगर ओवरऑल देखूं तो ये जो ड्रेस है ना, ये कॉकटेल्स में, संगीत में, जिन लोगों की यहाँ वेस्टर्न चलता है वहां पे आप इस ड्रेस को पहन सकते हो, काफी ज्यादा सुंदर लगेगा. खुद के बर्थडे में तो आप इसे पहन ही सकते हो, सभी की नजरें ऐसी होगी आप पर सिर्फ. एंड इसमें काफी सारे कलर्स अवेलेबल है. इसका जो नेक है ये भी मुझे तो काफी प्रिटी लगा था, काफी अच्छा सुंदर सा नेक है. ये जो ड्रेस है ना, ये सब पे बहुत अच्छी लगने वाली है और काफी सारे ओकेजन्स पे जाएगी. और अगर हम इसके प्राइस रेंज की बात करें तो ये अभी आपको मिल रहा है 879 का, अंडर 1000 है ये ड्रेस. इतना सुंदर ड्रेस मिलना वो भी अंडर 1000 रुपीज, ये काफी बड़ी बात है. सो अगर आप चाहते हो, या अगर आपका बर्थडे आ रहा है, या आपको कोई तो ऐसे फंक्शन में जाना है, तो फटाफट से ये डील को ग्रैब कर लो. वैसे तो ये ड्रेस मैंने जब भी देखी है ये अंडर 1000 ही रहती है मिंत्रा पे, तो आप बाद में भी इसे ऑर्डर कर सकते हो. लेकिन ये ड्रेस है बहुत खूबसूरत, आप इसमें कोई और कलर भी देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो भी पहनेगा ना उस पर ये बहुत अच्छी लगने वाली है. हर बॉडी टाइप पे भी ये अच्छी लगेगी. सो अगर ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत थिन हो या चबी हो तो आपको सोचना पड़े, नहीं, आप पे बहुत अच्छी लगेगी. ओवरऑल आई टोटली लाइक दिस ड्रेस, टोटली वर्थ इट है. इसलिए अगर आपका बर्थडे या कोई ओकेजन आ रहा है तो फटाफट से इसको ऑर्डर कर लो. हम बात करें हमारी सेकेंड ड्रेस की, तो वो होने वाली है ये येल्लो या लेमन येल्लो ड्रेस बोल सकते हैं. ये जो ड्रेस है ना, अब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये ऐसी जाती है, ये आपको नीज या नीज के थोड़ा सा हल्का सा ऊपर तक आएगी. ये ड्रेस ना टी शर्ट ड्रेसेस जो होती है ना उस टाइप की है. और इसका जो हाथ की बात करें तो ये हाथ कैसा है, ये अंदर से जाएगा, ये ऐसा ऊपर आएगी, एंड ये वन शोल्डर ऑफ ड्रेस है. सो
मुझे ये ड्रेस, मुझे है ना इसको देख के लगा था कि यार ये ड्रेस बहुत अच्छी आएगी, मैं इसको कहीं ना कहीं पूल पार्टी में या ऐसी जो डे वाइब वाली पार्टीज होती है ना वहां पे पहन के जाऊंगी। लेकिन इस ड्रेस ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट करा है, क्योंकि पहली चीज तो ये जो कपड़ा है ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, और अगर मैं इसको पहन रही हूँ ना तो प्रॉपर निप्पल्स एंड सब कुछ विजिबल हो रहा है। सो मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा अगर मैं इसको पहनना चाहती हूँ तो। और ये ड्रेस अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो ये ड्रेस उन लोगों के लिए अच्छी है जो थोड़ी सी थिन या पतली लड़कियां हैं थोड़ी सी, उनके लिए अच्छी है, क्योंकि वो ये है ना ढीली बुलवा सकती हैं थोड़ी ओवर साइज में, तो उसका जो इस ड्रेस का जो लुक है वो प्रॉपर थोड़ा ओवर साइज ही आएगा। मैंने इसको फिर भी थोड़ा बड़ा ही बुलवाया था साइज, लेकिन ये मुझ पर वैसी नहीं आई, इसलिए आई तो डोंट लाइक इट। लेकिन अगर आप बुलवाना चाहते हो तो आप इसको टोटली बुलवा सकते हो, कपड़ा अच्छा है इसका, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है लेकिन कपड़ा अच्छा है। हो सकता है अगर आप इसे किसी डार्क कलर में बुलवाओ तो ये उतना ट्रांसपेरेंट ना लगे। सो ये वाली जो ड्रेस है ना ये भी ड्रेस बेरी की है, लेकिन उस ड्रेस में और इस ड्रेस में एक जमीन आसमान का फर्क है, मुझे पर्सनली ऐसा लगा। सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस वन। लेकिन अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये अभी मुझे मिंत्रा पे मिल रही है 322 रुपीज की। सो फटाफट से इसको ना चेकआउट कर ले, अगर आपको लग रहा है कि आप पे ये अच्छी लगेगी, आप इसको बाहर पहन पाओगे तो ये अच्छी डील है यार। मतलब 322 रुपीज में आपको एक पूरी की पूरी ड्रेस मिल रही है, इससे ज्यादा मेरी जान लोगे क्या भगवान से? अरे हाँ भाई हाँ। सो जाओ फटाफट चेकआउट कर लो, उसमें भी काफी सारे कलर्स है, हो सकता है आपको अच्छी लग जाए। बर्थडे ड्रेसेस की बात हो रही हो और ब्लैक वन पीस को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। बर्थडे पूरा नहीं है लड़कियों का जब तक उसमें एक ब्लैक ड्रेस ना हो। आई मीन मैं तो हर साल अपने बर्थडे पे कुछ ना कुछ ब्लैक खरीदती हूँ, क्योंकि ब्लैक जस्ट मेक्स यू फील लाइक पता नहीं क्या बेस साले, लेकिन कुछ तो करता है ब्लैक। सो हम लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर ब्लैक ड्रेस के साथ में। सबसे पहले मैं इसके मटेरियल की बात करना चाहती हूँ। इसका मटेरियल इतना अच्छा वाला थिक है ना, बहुत ऐसा नहीं है कि आपको गर्मी लगने लग जाएगी, लेकिन काफी अच्छा मटेरियल है, बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं होगा, ये बहुत अच्छा थिक मटेरियल है। प्लस साथ ही साथ ना इसमें यहाँ पे दोनों साइड में जो इलास्टिक लगा है ना ये बहुत ज्यादा बॉडी हगिंग मटेरियल है, तो जो आप जब भी आप इसको पहनोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ड्रेस तो मेरे ही बॉडी के लिए मेरे ही शरीर के लिए बनी हुई है। अब अगर इसकी मैं बात करूँ फ्रंट की तो इसका जो ये वाला चेस्ट वाला जो एरिया है यहाँ पर इसकी डिजाइन थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे इसका डिजाइन बलून मटेरियल में आता है, नीचे जाते जाते ये प्रॉपर प्लेन हो जाती है, और साथ ही साथ में ना आप जब इसको पहनोगे तो इसमें ये वाला डिजाइन आपको देखने मिलेगा, ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है ना इसके इलास्टिक की वजह से। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मटेरियल है, आई लव्ड इसका मटेरियल, काफी अच्छा मटेरियल है ये, और ये ना टोटली वो वाइब देता है जिसे हम बोलते हैं लिटिल पिंक ब्लैक ड्रेस, तो ये एक्चुअल में उसकी वाइब देता है। साथ ही बहुत ही प्रिटी लगेगा आप पे, आप इसको अपने बर्थडे में भी पहन सकते हो, और ये बहुत ज्यादा जेनरस ड्रेस है तो आप इसको दूसरों के बर्थडे में भी पहन के जाओगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसने तो बहुत ओवर पहना है। अब अगर हम इसके प्राइस की बात करें ना तो प्राइस बताने के पहले ही बता रही हूँ, लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, प्लीज इसको जाके खरीद लो यार। इस प्राइस रेंज में इतनी सुंदर काले रंग की ड्रेस मिलना आई डोंट थिंक कि कहीं भी और पॉसिबल होगा। सो इसका प्राइस है 346 रुपीज, जी हाँ ये 500 के भी नीचे का है। सरोजनी में भी इतने अच्छे और इतने सस्ते कपड़े नहीं मिलते होंगे, इसलिए इस ड्रेस को खरीदना और अपने बर्थडे पे पहनना तो देखो बनता ही है। आई टोटली लव द ड्रेस, बहुत अच्छी है यार, आप आराम से बुलवा के इसको बर्थडे पे पहनो, मजे आ जाएंगे, सब काले कपड़ों में आप ही को देखेंगे। है हमारी नेक्स्ट ड्रेस पे। अब ये जो नेक्स्ट ड्रेस है ना इसको मैं पहले ही पहन चुकी हूँ और बाहर भी जा चुकी हूँ और स्टोरी और रील भी डाल चुकी हूँ, और जब भी मैंने पहनी है ना ये तो सब लोग मुझे बोल रहे थे कि यार ये ड्रेस तुझ पे कितनी अच्छी लग रही, कहाँ से बुलवाई। तो मैंने इस ड्रेस की जो लिंक है वो ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे डाल दी थी, वैसे अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो मैं नीचे डाल रही हूँ मेरी इंस्टाग्राम की लिंक, फटाफट से मुझे फॉलो कर लो, वहां पे ना मेरे डेली
कुछ ना कुछ रील्स आती है, बहुत अच्छी रील्स आती है और हमें वहां के भी फॉलोअर्स फटाफट से बढ़ाने हैं और वहां पे आपको बहुत ज्यादा कंटेंट भी मिलेगा। तो फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आप कुछ भी मुझसे पूछोगे या बात करना चाहोगे तो हम वहां पर हमेशा बात कर सकते हैं। सो, अब हम आते हैं नेक्स्ट ड्रेस पे और मेरी वन ऑफ द फेवरेट ड्रेस इस हॉल की जो कि है वो यही है। नाउ पता है मुझे ये ड्रेस पहनने के बाद रियलाइज हुआ कि यार मेरे पास ब्लू कलर क्यों नहीं है, मैं ब्लू कलर क्यों नहीं पहनती हूँ। इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं इस बर्थडे पे हो सकता है ब्लू पहनू कुछ। सो, ये है हमारी ड्रेस। ओ माय गॉड, ये इतनी ज्यादा सुंदर है ना। पहले तो मैं बता दूं, वन शोल्डर ऑफ ड्रेस है ये भी पूरा मैक्सी ड्रेस है, पूरा ऐसा ही नीचे तक जाता है। जब मैं पूरी फुल वीडियो डालूंगी तो उसमें आपको काफी अच्छे से दिख जाएगा। मैं पहले ही आप लोगों को सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि ना आज यहाँ पे कुछ काम चल रहा है एंड बहुत ज्यादा शोर हो रहा है आसपास में। सो प्लीज उसे इग्नोर करना। मुझे आज वीडियो शूट करनी थी इसलिए मुझे शोर के साथ में इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। अब जब तक के लिए थोड़ी देर के लिए रुका, फटाफट से शूट कर लेते हैं। तो ये जो ड्रेस है ना, पहली चीज तो उसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, साथ ही साथ में इस ड्रेस के साथ में ना आपको ये साइड में एक ये नॉट टाइप का एक बेल्ट टाइप का आता है जो कि आप ना टाई भी कर सकते हो, साइड में भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो। मुझे पर्सनली इसके बिना ज्यादा अच्छी ड्रेस लगी, जो उसका पूरा जो फ्लेयर है ना वो ऐसा स्ट्रेट आते टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए मैंने जब बाहर पहना था तब मैंने इसके बिना ही पहना था और मुझे ये काफी अच्छी ड्रेस लगी। इसका भी मटेरियल बताऊं तो काफी अच्छा मोटा प्यारा मटेरियल है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर आप इसे पहन के जाओगे तो आपको कोई लोड लेने की नीड ही नहीं है। काफी सुंदर ड्रेस है, इसका मटेरियल काफी सुंदर है एंड ये ड्रेस भी लेना टोटली वर्थड है। इसमें बहुत ज्यादा कलर नहीं आएंगे, इसके अलावा शायद सिर्फ एक ही कलर है जिसमें मुझे तो पर्सनली ये अच्छा लगा। आप दोनों कलर चेकआउट कर सकते हैं, हो सकता है आपको दूसरा कलर ज्यादा अच्छा लगे, लेकिन ये ड्रेस बहुत 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 अच्छी है। प्लीज अगर कहीं जाना हो तो इस ड्रेस को बुलवा सकते हो, काफी अच्छी लगी। इसकी प्राइस रेंज की बात करूं तो ये अभी आपको मिंत्रा पे अवेलेबल है 832 में, जो कि इस ड्रेस के हिसाब से साथ ही साथ इस मटेरियल के हिसाब से काफी अच्छा प्राइस है। सो, अगर आपको कहीं भी बाहर जाना है जहां आप मैक्सी पहनना चाहते हो या आपका बर्थडे आ रहा हो, फटाफट से इसको ऑर्डर कर लो, काफी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में ये ड्रेस अभी आपको मिल रही है। सी, अगर हम बर्थडे ड्रेसेस की बात कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम शिमर या सीक्वेंस ड्रेसेस को भूल जाए। मुझे पता है कि मैं नहीं, मुझे पर्सनली सीक्वेंस ड्रेसेस और शिमरी ड्रेसेस इतना ज्यादा नहीं पसंद है, मैं ज्यादा पहनती नहीं हूँ। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बर्थडे पे सीक्वेंस ड्रेसेस पहनना प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली एक ड्रेस ऐसी भी बुलवाई है। तो ये मेरे को आई ना, मैंने इसको खोल के देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इसका मटेरियल, इसका कलर, ये कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी थी, इसका कलर भी अच्छा था एंड इसका सीक्वेंस भी काफी अच्छा है। सो, मैं बात कर रही हूँ इस ड्रेस की। सी, इसका सीक्वेंस का वर्क देखो, क्या सुंदर सीक्वेंस है यार, मुझे तो मजे ही आ गए इसका सीक्वेंस देख के, बहुत ही सुंदर। मतलब ये अगर आप आपके बर्थडे पे पहनोगे और कोई आपको ना देखे, कोई आपको अटेंशन ना दे, ऐसा नहीं हो सकता है। सो, अपने बर्थडे के लिए आप ये ड्रेस टोटली प्रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ इसका जो कलर है काफी यूनिक, काफी अलग एंड काफी प्रिटी कलर है, मुझे ये बहुत ही सुंदर लगी। देखो, स्लीवलेस ड्रेस तो हर कोई पहनता है सीक्वेंस में, लेकिन फुल स्लीव्स का भी अपना मजा है और ना ये फुल स्लीव्स में ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ना इसके आगे, मतलब पेट पर ना इसमें एक कट आएगा, वो जब मैं पहनूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। और ये भी दिखने में काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, काफी अच्छी ड्रेस है, काफी सुंदर ड्रेस है। साथ में ये बहुत ज्यादा, मतलब कोई भी इंसान इस ड्रेस को पहनेगा तो उसे यही लगेगा कि ये ड्रेस मेरे लिए बनी हुई है, हर बॉडी टाइप पे ये सूट करेगी और बहुत ज्यादा सुंदर ड्रेस है ये। इसकी अच्छी चीज ये लगी कि इन्होंने ना अंदर एक कपड़ा लगा रखा है, तो सीक्वेंस की वजह से आपको बॉडी पे ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा चुभ रहा है या रैशेज वगैरह नहीं होंगे। कंफर्टेबल ड्रेस भी है ये सीक्वेंस होने के साथ ही साथ में। अगर मैं इस ड्रेस की बात करूं तो ये मुझे अभी मिंत्रा पे अवेलेबल हो रही है सिर्फ और सिर्फ 593 की, जो कि इस ड्रेस के हिसाब से बहुत ही तगड़ा एमआरपी है। तो अगर आपका बर्थडे आ रहा है या आप किसी ओकेजन के लिए ड्रेसेस लेना चाह रहे हैं
तो ऐसी एक सीक्वेंस ड्रेस अगर आप पसंद करते हो तो प्लीज बुलवा लो, ये आपके कलेक्शन में हमेशा काम आएगी, साथ ही साथ आप उसको हमेशा हमेशा पहन पाओगे। अब दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय बर्थडे सीरीज अच्छा लगा हो। हम ऐसी ही काफी सारी वीडियोस के साथ आगे आने वाले हैं, आप थक जाओगे, मैं इतनी सारी वीडियोस लेकर आऊंगी, लेकिन सारी की सारी वीडियोस अपने आप में एंटरटेनिंग है, इसलिए मेरी बर्थडे सीरीज की हर वीडियो देखना क्योंकि बहुत सारे मजे आएंगे। अब प्लीज मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि इन पांचों ड्रेसेस में से आपकी फेवरेट ड्रेस कौन सी है और आप कौन सी ड्रेस को अपने बर्थडे पे पहनना चाहोगे और मुझे मेरे बर्थडे पे कौन सी ड्रेस पहनना चाहिए, ये भी सजेस्ट कर देना। आई होप कि आपको मेरी ये बर्थडे सीरीज की पहली वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड हिट दैट बेल बटन ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।